ड्रामा सीरियल एहराम जुनून। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल एहराम जुनून की कुछ ऐसी फ़नी मिस्टेक के बारे में जिनके बारे में आपने पहले नहीं देखा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की फ़नी मिस्टेक वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इस सीन में फ़ोन पर बात करते वक्त चाय वाला कप यहाँ पड़ा होता है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो ये चाय का कप खुद ब खुद चलकर इन बुक्स के ऊपर आ जाता है। इस सीन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिमशा के लेफ्ट हैंड में कोई भी रिंग नहीं होती, लेकिन जब ये चलकर बाहर आती है तो इसके लेफ्ट हैंड में पता नहीं कहाँ से रिंग आ जाती है। कुछ भी। इस सीन में शानी अपने भाई जुगनू से शॉपिंग बैग को पकड़कर यहाँ रखता है, लेकिन जब शानी यहाँ से उठकर जाने लगता है तो ये शॉपिंग बैग यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाता है। तो इस सीन में शानी जब शानजे के घर आता है तो गाड़ी को इस तरह से पार करता है, मतलब घर की तरफ, लेकिन जब शानजे के साथ लड़ाई करने के बाद ये वापस जाता है तो इसकी गाड़ी ऑटोमेटिकली रिवर्स होकर खड़ी हो जाती है, मतलब गेट की तरफ इसका मुंह होता है। तो यार ये क्या कोई टार्जन है क्या, क्या है ये, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो इस सीन में आप देख सकते हैं कि सजीला शानी के साथ बात कर इस साइड पे जा रही होती है, लेकिन जब ये दोबारा इसके साथ बात करती है तो यार ये पिछली साइड पे चली जाती है, यानी कि इस साइड पे जाना था ना इसे, तो इधर क्या लेने गई है भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना।